तो केरल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसको नाम दिया लव जिहाद, कि बोली वाली लड़कियों को बहला फुसला कर उनको अपने जाल में फंसाना और उसके बाद उनकी हत्या कर देनी या उनको कहीं ना कहीं भेज देना। उन प्रकार की जो घटनाएं ये हिंदुस्तान में है केवल, उसके बाद ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक ही कंट्री है, वो है भारत। उसके अलावा कोई और कंट्री जो है वो हिंदुओं की कंट्री नहीं है। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आज बहुत सारी हमारी बेटियों को इसके जाल में फंसाया जा रहा है। आपको आ रहे हैं योगी सरकार करने जा रही है, पूरा का पूरा हिंदू समाज उनको समर्थन करेगा, पूरे देश का हिंदू उनको समर्थन करेगा, क्योंकि ये कानून जो है बहुत जरूरी है। पूरे देश में इसका एक कड़ा कानून जो है, वो सख्त कानून जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि इसको रोकना जो है बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। लव जिहाद के ऊपर योगी सरकार एक महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है, यानी कि उसके ऊपर एक कानून बनाने जा रही है, और वो भी इतना सख्त कानून कि ऐसी हरकतें करने वाले लोग जो प्रेम के नाम पर भोली भाली लड़कियों को गुमराह करते हैं, अपने माया जाल में भ्रमित कर कर उन्हें फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, जो मान जाते हैं वो ठीक और जो नहीं मानती हैं उनको मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर योगी सरकार इस तरह का फैसला लेने जा रही है, और हम चाहेंगे कि पूरे भारत में ही इसके ऊपर कानून बने। लेकिन इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश बजरंगी, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से हुई और ये है क्या? देखिए, मैं बताऊं कि सबसे पहले लव जिहाद जो है वो केरल से शुरू हुआ है। केरल में जो है हिंदू समाज जो है वो अल्पसंख्यक हो चुका है, और वहाँ पर धर्मांतरण और लव जिहाद की इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई, क्योंकि ISI में मिलिटेंट भी वहाँ से निकले, और इस प्रकार का एक बड़ा रैकेट जो है उसके अंदर केरल के अंदर जो पनप रहा है और आज भी है। अभी कुछ दिन पहले, कोई 2-3 दिन पहले कुछ लोगों ने एक शादी के लिए अप्लाई किया, और उसमें जितनी भी शादियों के लिए अप्लाई किया उसमें लड़कियां हिंदू और लड़का जो है वो मुसलमान है। तो ये सामने क्लियर आता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है रैकेट जो है वो केरल के अंदर चल रहा है। ये केरल में ही पनपा और केरल में ही सबसे पहले शुरू हुआ। लव जिहाद जो नाम है वो हमने नहीं दिया, समाज ने नहीं दिया, ये केरल हाई कोर्ट ने दिया। जब इतना बड़ा रैकेट जो है केरल हाई कोर्ट के सामने आया, तो केरल हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसको नाम दिया लव जिहाद, कि बोली वाली लड़कियों को बहला फुसला कर उनको अपने जाल में फंसाना और उसके बाद उनकी हत्या कर देनी या उनको कहीं ना कहीं भेज देना। उन बच्चियों का कोई पता ही नहीं चला वो कहाँ गई। तो इस प्रकार का जो रैकेट जो है वो केरल से शुरू हुआ, और केरल के हाई कोर्ट ने इसको नाम दिया लव जिहाद, और ये वहीं से शुरू हुआ। और अब ये बढ़ते बढ़ते क्या लगता है हमारे ही देश में है कि बाहर की कंट्रियों में भी चला गया? देखिए, ये केवल हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की जनसंख्या को चेंज करने के लिए ये एक बड़े पैमाने पर एक रैकेट चलाया जा रहा है। हिंदू समाज की बेटियों को बहला फुसला कर उनको उनका धर्म परिवर्तन करवा के या उनको लव जिहाद के जरिए उनको उसमें ले जाना, और उसके बाद जो भी वो सिस्टम होता है कि उसके बाद इस लव जिहाद में सारे सिस्टम में उनको एक बिला फुसला कर उनको उनका दिमाग को चेंज करके या तो उनको मार दिया जाता है और या उनके साथ उनको कहीं ना कहीं उनको भेज दिया जाता है या उनका पता ही नहीं चलता। इस प्रकार की जो घटनाएं ये हिंदुस्तान में है केवल, उसके बाद ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं का एक ही कंट्री है, वो है भारत। उसके अलावा कोई और कंट्री जो है वो हिंदुओं की कंट्री नहीं है। तो ये पूरा रैकेट जो है वो हिंदुस्तान में ही चल रहा है। सबसे पुरानी सभ्यता हमारी, सबसे पुरानी संस्कृति है, और उस संस्कृति को और सभ्यता को ख़त्म करने के लिए ये सारा जो है रैकेट जो वो चलाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर है, इसमें बहुत सी कंट्रियाँ जो हैं फंडिंग करती हैं, और ये लोग उन लोगों को भी फंडिंग करते हैं जो ऐसे घिनौने काम करते हैं,
अब ये जो पूरा रैकेट है ये पूरे देश में एक जाल की तरह फैलता जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आज बहुत सारी हमारी बेटियों को इसके जाल में फंसाया जा रहा है। आपको पता ही है कि एक बड़ी घटना जो है वो बल्लभगढ़ में जो घटी, बहन निकिता हमारी बच्ची, देश की बच्ची है, जो लेफ्टिनेंट बनना चाहती थी, जो पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहती थी, उसको सरेआम बीच बाजार के, मेरे हिसाब से कॉलेज के 10 से 20 मीटर के दायरे के अंदर उसको गोली मारी गई। पहले उसका अपहरण करने की कोशिश की गई, जब सफल नहीं हुए तो उसके बाद उसको गोली मार दी गई। और वो एक भीड़भाड़ वाला इलाका है। देखिए, हिंदू समाज भी एक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। अगर वहाँ पर हिंदू समाज हरकत में आता तो वो लोग बच के भाग नहीं सकते थे। वो तो बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने पूरी जगह जो है चिन्हित करके दिखाई है कि कहाँ पर हत्या हुई, किस प्रकार से भीड़ भाड़ से लोग आ जा रहे हैं। और ये पूरी चीज़ें हैं जो हिंदू समाज को कहीं ना कहीं अब जागना पड़ेगा। कब तक हमारी बहन बेटियाँ जो हैं वो लव जिहाद का शिकार होंगी, ये अब सोचने का विषय है हिंदू समाज के लिए। योगी सरकार ने इसके ऊपर सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है और वो इसके ऊपर कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इसमें वो सफल होंगे या इस पे रोक लगेगी? देखिए, एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य जो कार्य है योगी सरकार करने जा रही है। पूरा का पूरा हिंदू समाज उनको समर्थन करेगा, पूरे देश का हिंदू उनको समर्थन करेगा, क्योंकि ये कानून जो है बहुत जरूरी है। अगर यूपी सरकार बनाती है तो मैं कहता हूँ कि केंद्र सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार जो 10-15 साल से इतनी बड़े तादाद पर जो लव जिहाद की घटना जो है वो बढ़ती जा रही है, पर अभी तक इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। जिस प्रकार से ये जो अपनी एक बेटी जो निर्भया, उसकी हत्या की गई थी, उसके बाद एक कानून बना गया निर्भया कानून, तो निकिता कानून भी एक जो है वो बनाने की ज़रूरत है। उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जैसे वो केस है वो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, इसके ऊपर उससे भी कड़ा कानून चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था पर सीधा सीधा प्रहार किया जा रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू हैं या ऐसा कहेंगे कि जो भोली भाली लड़कियां हैं उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर बाद में उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया, कई बार ऐसी खबरें भी हम सुनते हैं कि हमें पता चलता है कि लड़की ने शादी तो की लेकिन उसके 6 महीने बाद या साल के बाद उसकी अगर हालत देखें तो बहुत बदतर होती थी और कई बार तो वो रोती भी थी कि हमने ऐसा फैसला लिया ही क्यों है। तो इसके ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार। बिल्कुल, सरकार ने कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से बल्लभगढ़ में निकिता तोमर के साथ हुआ, उसके बाद सोनभद्र में एक बेटी के साथ हुआ, उसका गला रेत दिया गया, ये भी कल परसों की घटना है। उसके पहले राहुल जो दिल्ली के अंदर था वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके घर में आकर उसकी हत्या की गई है। उससे पहले गुड़िया, उससे पहले ज़्यादा चर्चा में रहा एक पंजाब का केस, जो एक बेटी ने यूपी के एक युवक से शादी की और उसको यूपी में उसका गला काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसको उस सूटकेस में डाल कर फेंक दिया गया। इस प्रकार की सूटकेस वाली घटनाएं तो काफ़ी हैं जो चर्चा में रही हैं, लेकिन हिंदू समाज को अब ये सोचना पड़ेगा कि कब तक। अब जो निकिता की जो ये आपने उसने जो शहादत दी है ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अब हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा और जन जागरण करना पड़ेगा इसके ऊपर। इसके पीछे क्या लगता है, कौन इसके पीछे है जो इस तरह की घटनाओं को करने के लिए फंडिंग भी करता है? देखिए, सभी इस्लामिक वो कंट्रियाँ इसमें फंडिंग कर रही हैं, जो इस्लाम से जुड़े लोग हैं वो फंडिंग करते हैं। बहुत कुछ ऐसा जो निकल के आएगा जब इसके ऊपर कड़े कानून बनेंगे। इनके पास इतने फंड्स आते कहाँ से हैं? इतने हिंदुओं के पास फंड्स नहीं है जितने इनके पास आते हैं, आते कहाँ से ये? देखिए, हमारे लोग भी, मैं बताऊँ कि हमारे लोग भी फंड देने वाले हैं। मंदिर में 10 रुपये चढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पीर बाबे में 100 रुपये चढ़ा के आ जाते हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है? सब पीर बाबे जो हैं औकाफ ने अपने अंडर लिए हुए हैं, तो औकाफ वो पैसा कहाँ खर्च करेगा? ये सोचने का विषय है। हिंदुओं को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मंदिर में 10 रुपये नहीं देंगे, लेकिन पीर बाबे में जाके 100 रुपये चढ़ाएंगे झाड़ फूक करवाने के चक्कर में। तो ये चीज़ें सोचने का विषय है। हम ही लोग फंडिंग कर रहे हैं और वही पैसा हमारे ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह मस्जिदें बनाई जा रही हैं,
क्या चाहते हो आप कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का कानून बने जिस तरह का योगी सरकार बनाने जा रही? बिल्कुल, इसमें हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार का शासन है इस टाइम, गवर्नर रूल है यहाँ पर, यूटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्या, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरे देश की बात करूँगा, पूरे देश में इसका एक कड़ा कानून जो है, वो सख्त कानून जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि इसको रोकना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं रोका तो आने वाले दिनों में यह जो घटनाएं हैं, ये हमारे घरों तक भी, हमारे लोग ये ना सोचें कि ये घटना जो है उस व्यक्ति के घर में हुई है तो हमारा कोई लेना नहीं, कल को ये घटनाएं हमारे घर में होंगी तो तब पता चलेगा, जब अपने घर में आग लगती है तभी समझ में आता है कि ये क्या हुआ। तो इसलिए पहले ही तैयारी रखनी चाहिए, पहले ही इसके ऊपर जन जागरण करना चाहिए और इसको रोकने की पूरा जो है प्रयत्न जो है वो करना चाहिए, और देश के ऊपर मतलब केंद्र सरकार के ऊपर एक दबाव बनाना चाहिए कि इसके ऊपर एक कड़ा कानून जो है वो देश में लाया जाए और बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इस कानून को बनने देंगे? देखिए, हिंदू समाज जो है उसने जब जब लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो जीता है, आज हिंदू समाज 1000 साल से पीछे जो है धर्मांतरण की उसमें गुजरता आ रहा है। 1000 साल पहले मुगलों ने यहाँ पर या हमारे देश में आए तो यहाँ पर कोई मुगल नहीं था, यहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, उसके बाद ही आए ना, धर्मांतरण हुए, उसके बाद 200 साल पहले ईसाई आए, तो ईसाई जम्मू यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में आई, उससे पहले तो कोई ईसाई नहीं था, तो धर्मांतरण हुआ ना, हमारे ही लोग धर्मांतरण करके वहाँ गए हैं, हमारे ही लोग घर छोड़कर उधर गए हैं, हम उसको घर वापसी के नाम देते हैं कि घर वापसी भी हो हम करवा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, ये हमारे लोग जो भूले भटके उधर गए हैं उन्हीं को हमने वापस लाना है, लेकिन ये जो लव जिहाद की घटना है ये बाहर से एक बड़ा एक रैकेट जो है वो चला आ रहा है और वो फंडिंग कर रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को बेला फुसला कर जो है वो इस प्रकार के जो है अपने धर्म में धर्म परिवर्तन करके उनको शादी करके वो ले जाते हैं, उसके बाद नहीं पता उनका कि उनका क्या होता है। कोई कोई है जो सामने रहती है, ज़्यादातर 90% बेटियां जो हैं उनका कहीं कोई पता नहीं चलता है कि वो कहां पे हैं। ये सोचने का विषय है, ये केंद्र सरकार के लिए भी सोचने का विषय है, हिंदुओं के लिए भी सोचने का विषय है। अब हिंदुओं ने सोचना है कि इस कानून को किस प्रकार से बनवाना है, किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ना है और किस प्रकार से सरकारों को समर्थन करना है, ये उन्होंने सोचना है। तो मैं अपील करूंगा पूरे हिंदू समाज से कि आप संगठित हों, इकट्ठे हों, जब जब हिंदू इकट्ठा हुआ है तो उसने जीत पाई है, जब जब हिंदू बटा है तो वो घटा ही घटा है। तो इसलिए इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और इस देश में लव जिहाद के ऊपर एक कानून को बनवाना पड़ेगा। वो हिंदू तभी बनवा पाएगा जब हिंदू संगठित होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बात तो क्लियर है कि कानून तो लव जिहाद के ऊपर पूरे देश में ही बनना ज़रूरी है, और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ज़रूर इसका विरोध करेंगी, और चाहिए पूरे समाज को चाहिए जो ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो वो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, ताकि देश विरोधी जितनी भी ताकतें हैं वो जो फंड फैलाकर घूम रही हैं या फंड कुचलने की कोशिश करते हैं वो ना कर पाएँ और ये कानून जो है पूरे देश के अंदर ही बने और इम्प्लीमेंट हो। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।